ओफो बाबा जी, आज फिर यू भी मेरे सपने में आते आते रह गया। पता नहीं कब मेरे सपने में आएगा और मेरा सपना पूरा हो जाएगा। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर। आज मेरा सपना पूरा हो गया लीला जी। आखिर एक माँ को और क्या चाहिए कि उसकी बेटी की शादी एक अच्छे परिवार में हो। आज मेरी बेटी चिंकी की सगाई है। लेकिन आपको इतनी फॉर्मेलिटी करने की जरूरत ही नहीं थी। चिंकी आपकी जितनी बेटी है ना उतनी हमारी भी है कि नहीं? इसीलिए मैं चाहती हूँ कि चिंकी की सगाई हमारे यहाँ हमारे घर। मैं अपने हाथों से उसकी सारी अरेंजमेंट करना चाहती हूँ। अरे मेरे लिए तो ये खुशी की बात है। चिंकी अपने घर से ज्यादा तो आपके घर में रहती है। वो तो खुशी से पागल हो जाएगी जैसे उसको पता चलेगा ना कि उसकी सगाई ट्विंकल के घर में हो रही है। देखो लीला जी, तुसी माइंड ना करना। जिस तरह से मेरे लिए चिंकी है वैसे ही ट्विंकल। आज मैं आपसे एक जरूरी बात करने आई हूँ। बोलिए ना मिसेस कौर। अब कुछ छुपा तो है नहीं। अब अमृतसर में कोई भी खानदानी पंजाबी फैमिली का लड़का बचा नहीं है जिससे आपने ट्विंकल की बात ना चलाई हो। पर बात बन नहीं पाई। मैंने सोचा मैं आपकी थोड़ी हेल्प कर दूं। वैसे मेरी नजर में एक अच्छा रिश्ता है। कौन है वो? ये है मिस्टर मनोहर सरना। ये वही सरना इंडस्ट्रीज वाले ना जिनका अभी अभी टीवी पर इंटरव्यू आया था, जिन्हें पंजाब गोल्ड अवार्ड मिला था। सही पहचाना आपने लीला जी, ये वही मिस्टर सरना है और इनका बेटा कुंज सरना दुनिया का मोस्ट एलिजिबल बैचलर है। हर कोई सरना खानदान से रिश्ता जोड़ना चाहता है और इन्हें अपने बेटे के लिए खानदानी लड़की चाहिए। और आज ही मिस्टर सरना इंडिया आ रहे हैं। मुझे लगा कि यहाँ पर ट्विंकल की बात चल सकती है और इसीलिए मैंने चिंकी की सगाई में इनको इनवाइट किया है। ये तो आपने बड़ा चंगा सोचा है जी। इतना अच्छा रिश्ता लेकर आई हैं आप। मेरे सर से इतना बड़ा टेंशन कम कर दिया है आपने। बस इस बार भाई गुरु मेरी सुन ले तो चिंकी के बाद मैं ट्विंकल का रिश्ता पक्का कर दूं और मेरा सपना भी पूरा हो जाए। हेलो, कैसी लग रही है मेरी जायमान? अपनी लैंग्वेज में सुपर हॉट और तेरी लैंग्वेज में एकदम पटाका। हमेशा जितनी अच्छी लगती हो ना आज उसे 10 times ज्यादा अच्छी लग रही हूँ। अच्छा एक सेल्फी क्लिक करके भेज, मैं देख सकूं तो पटाका कैसे लग रही है। ये क्या कर रही है? हाथ का फोटो? अरे मैं तुझे देखना चाहता हूँ पागल। तू क्लिक करके भेज। मिली? ये तू क्या कर रही है? कभी हाथ कभी दुपट्टा। मैं तुझे देखना चाहता हूँ, तेरे हाथ और ब्रेसलेट नहीं। अच्छा फॉरगेट एवरीथिंग, वीडियो कॉलिंग कर। नो नो व्हाई नो? इतनी दूर से ना इतना ही देखने को मिलेगा। तेरे लिए मुझे देख पाना इम्पॉसिबल है क्योंकि चिंकी की एंगेजमेंट मेरे ही घर पे हो रही है। अगर सच्ची मुझे देखना चाहता है ना अच्छे से, अगर तुझ में हिम्मत है तो चिंकी की सगाई में मेरे घर आके दिखा और देख ले मुझे मैं कैसी लग रही हूँ। बोल है हिम्मत? हिम्मत तो बहुत है। अब तू देख मैं क्या करता। मैं तेरे घर तनेजा हाउस आऊंगा, तू देखती रहियो, वेट एंड वॉच। बेटा यूवी, ये मिस अमृतसर कॉम्पिटिशन नहीं है जहाँ तू हेलमेट लगा के बाइक पे आएगा मुझे उठा के ले जाएगा। ये चिंकी की सगाई है। ये हमारे सारे रिश्तेदार होंगे और मेरी फैमिली भी होगी और तू और तेरी फैमिली तो इनवाइटेड भी नहीं है, तुझे दरवाजे से ही भगा देंगे। ट्विंकल तनेजा, एक गर्ल सुन, यूवी को तुझसे मिलने के लिए किसी की इन्विटेशन की जरूरत नहीं है। मैं तेरी शादी के सामने आऊंगा भी, तुझे ताड़ूंगा भी और तुझे कॉम्प्लीमेंट भी दूंगा। और तू देख मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इतनी वड्डी वड्डी बातें? हाँ चल ये तो बता कैसे करेगा। वो तो यूवी पे छोड़ दे। हाँ देखते हैं फिर, आ जा। यूवी आ रहा है। ठीक। मेरी प्यारी टी मामी, हाउ मच आई मिस्ड यू एंड लुक एट योर ग्लो। आप तो मुझे भी कॉम्प्लेक्स दे रहे हो। मिस अमृतसर ना तो आपको ही होना चाहिए था। थैंक यू माई डार्लिंग ट्विंकल। ओफो, तुम लोग बातें ही करते रहोगे और वहाँ चिंकी और मिसेस कौर आते ही होंगे। कितना सारा डेकोरेशन भी बाकी है, डेकोरेटर भी आता ही होगा। पिन्नी तू सही वक्त पर आ गई, अब हमारी हेल्प हो जाएगी। जा जाकर रेडी हो जा जल्दी।
ओहो दीदी जी तुसी टेंशन ना लो, मैं आ गई हूँ ना, मैं एवरीथिंग मैनेज कर लूंगी। Why fear when peace is here? And दीदी जी आपको एक सीक्रेट बताऊं? दुबई से मैं अपने लिए इतनी एक्सक्लूसिव डिजाइनर ड्रेस लेके आई हूँ कि सारों की आईज ओपन की ओपन ही रह जाएंगी। मैं वेरी एक्साइटेड हूँ, मैं यू गोइंग एंड यू कमिंग, सी यू सून दीदी जी। मैं 10 साल पहले यहाँ से निकला था तो मेरे हाथ बिल्कुल खाली, बस कुछ था तो ये जिद की दुनिया को अपनी मुट्ठी में करना है और ये शहर जाना जाए क्योंकि मनोहर सरना यहां पैदा हुआ था और आज मैंने अपने आप से किया हुआ वादा पूरा कर लिया है। आज मैं इस ऊंचाई पर खड़ा हुआ जहां ये पूरा शहर, पूरा पंजाब मेरे कदमों में है। और ये सब आपकी वजह से हुआ है गुरुजी। मनोहर, मैंने तो सिर्फ तुम्हारा मार्गदर्शन किया है, एक डायरेक्शन दी है। तुमने आज तक जो कुछ भी हासिल किया है वो सिर्फ अपनी हार्डशिप और डेडिकेशन की वजह से ही हासिल किया है। ये तो आपका बड़प्पन है गुरुजी कि आप ऐसा कह रहे हैं, लेकिन मैं जानता हूँ मेहनत तब तक सफल नहीं होती जब तक उसका साथ मोहरत के साथ ना छोड़ा। मेहनत तभी सफल होती है जब सही कार्य सही तरीके से सही समय पर किया जाए और यही मार्गदर्शन हमें आपसे मिला है। गुरुजी आपके आशीर्वाद के बिना मैं एक कदम भी नहीं चल सकता। बस मैं ये चाहता हूं कि ये मार्गदर्शन मुझ पर हमेशा बना रहे। ब्लेस्ड यू। मनोहर, तुमने बताया था कि आज तुम अपनी वाइफ के साथ पहली बार अमृतसर में अपना अपीयरेंस देने जा रहे हो। उस संबंध में तुमसे बातें करनी थी। हाँ, बोलिए गुरुजी। एक तो आज के दिन फिरोजी रंग से दूर रहना। आज न तुम फिरोजी रंग का कोई कपड़ा पहनना, न अपने आसपास किसी और को कुछ और पहनने देना। फिरोजी रंग आज के दिन तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए बहुत अनलकी है जी। और दूसरी बात जी, हो सकता है आज लक्ष्मी तुम्हारे सामने साक्षात प्रकट हो जाए और वो किस रूप में आएंगी वो तो वो ही जाने। क्या वही चलता है। अब मेरी लव स्टोरी का तेरे और युवराज की तरह इतनी पैशनेट फायर वाली और फिल्मी है। पता है ट्विंकल, कभी कभी तो ना मैं तुमसे बहुत जेलस फील करती हूँ। मत कर, और नहीं है ना तो हो जाएगा। शादी के बाद प्यार, पैशन, फायर सब कुछ आ जाएगा। तू भी ना, वैसे तेरा वो है काम अपने घर पे बैठ के सड़ रहा होगा। तूने तो उसे इनवाइट किया नहीं ना। हाँ, जैसे कि मैं उसे इनवाइट कर सकती थी। एक तो तेरी मॉम ने मेरी एंगेजमेंट अपने घर पे रखी और मैं उन्हीं के घर पे उनके दुश्मन के बेटे को इन्वाइट करूँ। वाओ, सुपर्ब ना। आई अंडरस्टैंड यार, लेकिन मैंने ना तो पंगा ले लिया। मैंने यूवी का चैलेंज कर दिया कि यहाँ आके अपने मुंह दिखाई करके जाए। चैलेंज किया तूने उसको? हाँ, मैनु पता चल गया है, मनोहर सरना यहाँ कोई बहू ढूंढने नहीं आए, वो तो यहाँ पर नौकरानी ढूंढने आए। नौकरानी? अरे लंदन में उनके बेटे की शादी ऑलरेडी हो चुकी है। आपको तो पता है दुनिया भर में फेमस है कि एक इंडियन लड़की से ज्यादा काम और कोई नहीं कर सकता। ये तो रब दा शुक्र है, मैनु पहले से उनकी असलियत पता चल गई। अब तो कुछ भी हो जाए मैं अपनी बेटी दा रिश्ता उन लोगों से कभी गर्ल्स से भी होने नहीं दूंगी। हाँ, ये खबर सच है? अपने कानों से सुना है मैंने। अनानु बहु नहीं, नौकरानी चाहिए। मैंने तो सोचा था कि मेरी बेटी वहाँ रानी बनकर रहेगी। ना बाबा ना, मैं अपनी बेटी की जिंदगी बिल्कुल बर्बाद नहीं कर सकती। शादी तो दूर की बात है, मैं तो इन लोगों से मिलना भी नहीं चाहती हूँ। चलो जी। अरे तुझे कितने जा रहे हो? सरनाज बस आने वाले हैं। उसी मिल लो उनसे, हमें माफ करो। की हुई आप मिसेस कौर? पहले तो इन लोगों ने सरना जी से मिलने के लिए अपने आप को इनवाइट करवाया और अब उनसे बिना मिले जा रहे हैं। अच्छा, वेलकम वेलकम मिस्टर एंड मिसेस सरना। नमस्कार, आपका स्वागत है, आइए प्लीज। थैंक यू, सो काइंड ऑफ यू। मैं आप लोगों को अपने मेहमानों से मिलाती हूँ।
जी। मिस्टर मनोहर सरना, मिसेज उषा सरना, मिसेज साहनी, मिसेज चड्डा। नमस्ते। अरे आप लोग एप्पल जूस लीजिए ना। नो थैंक यू, आई डोंट लाइक जूस। मैं आपके लिए दूसरा मंगवाती हूँ। कैसी हैं आप मिसेज तनेजा? आजकल बहुत चर्चे हैं आपके डोनेशन के। अरे वो मैंने बड़ी खुशी मिली कि हमारे तनेजा इंडस्ट्रीज ने मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल को डोनेशन दिया। अब शहर सेहतमंद रहेगा, तभी तो और प्रोग्रेस करेगा ना। कौन है ये? ये मिसेस लीला तनेजा है। ये इन्हीं का तो घर है। हम लोग बहुत अच्छी फैमिली फ्रेंड्स हैं। और मेरी बेटी चिंकी, उसको तो वो बिल्कुल अपनी बेटी की तरह समझती है, तभी तो उसकी सगाई अपने घर में कर रही है। बिल्कुल आप ही की तरह अपने दम पे इन्होंने सब कुछ किया है। बहुत नामी रही है ये, बहुत बड़ा बिजनेस है इनका। क्या आप लीला जी से मिलना चाहेंगे? ऑफ कोर्स। हर वो इंसान जो अपनी मेहनत से ऊंचाइयों पर पहुंचा है ना, उसे मिलने में मुझे बड़ी खुशी होती है। अरे लीला जी, दिस इज कॉल। हाँ बोलिए। ये है मिस्टर मनोहर सरना और इनकी वाइफ मिसेज उषा सरना। नमस्कार। वेरी प्लीज टू मीट यू। सेम है। आपके बारे में तो बहुत कुछ सुना है। थैंक यू सो मच। पर आपने भी खूब नाम बनाया। मिसेज कौर ने बताया आपके बारे में। अरे ना ना, ये सब तो वाहे गुरु जी की मेहर है और मेरे परिवार का सपोर्ट है। आप बहुत मॉडेस्ट है, बिना डिजर्व किए ना कोई फेमस नहीं बनता है। एक्सक्यूज मी, मैं अभी आई। ऑफ कोर्स जी। एक्सक्यूज मी प्लीज। हेलो। अरे नहीं नहीं, जितने पैसे लगते हैं लगा दो। हमारे तनेजा इंडस्ट्रीज का मटेरियल सबसे हाईएस्ट क्वालिटी का होना चाहिए। आई वांट जस्ट द बेस्ट फॉर तनेजास। ये होती हैं लेडी ऑफ सब्सटेंस। तो तुम्हें ये सब समझ में नहीं आएगा। तुम्हें याद है ना मिसेस कॉल से क्या बात करनी है? जी। जैसा हमने डिस्कस किया था ना, बिल्कुल वैसे ही बोलना। ओके जी। यू वी पिक अप द कॉल। पता नहीं ये लड़का कहाँ है, तो मेरी कॉल्स को आंसर करे ना मैसेजेस को रिप्लाई करे। बाबा जी, लड़का कर क्या रहा है? एक बार और ट्राई करते। बुरा मत मानिएगा, लेकिन हमें आपसे शिकायत है। क्यों उषा जी, कोई गलती हो गई या कोई कमी रह गई? देखिए, जो हमने आपको लिस्ट भेजी थी उसमें से आधा सामान तो आया ही नहीं, और जो आया वो नहीं जो हमने डिमांड किया था। अब जैसे हमने डबल डोर फ्रिज मांगा था, आपने सिंगल डोर भेज दिया, और किंग साइज बेड की जगह क्वीन साइज बेड आ गया, और एसी भी हमने 5 टन का मांगा था और 2 टन का आ गया है। 4 डोर वार्डरोब की जगह 3 डोर का वार्डरोब भिजवाया आपने। वी आर रियली सॉरी उषा जी, लगता है कुछ समझने में गलती हुई है। मैं अभी सब कुछ ऑर्गेनाइज करवा देती हूँ, आप चिंता मत कीजिए। आपको सब कुछ आपकी लिस्ट के मुताबिक मिलेगा। बस देखिए कि लिस्ट के हिसाब से सब कुछ ठीक हो और इस बार गलती ना हो, वरना हमें ये डील कैंसिल करनी पड़ेगी। अरे नहीं नहीं उषा जी, आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। आई विल पर्सनली टेक केयर, डोंट वरी। अरे चिंकी की सास दहेज मांग रही है, मुझे ही ना कुछ करना होगा। एक्सक्यूज मी। तो ये आपकी असलियत जी? मेरे डैड जी ना एक फ्रेज बोलते हैं, नाम बड़े और दर्शन छोटे। आप पीले एकदम फिट बैठती है। मैंने तो सुना था आप लोग बड़े पैसे वाले, लेकिन इतनी गंदी सोच, इतनी ग्रीड, इतनी खराब नीयत, मुझे तो बिलीव नहीं होता कि आप लोग इतनी जी भरकते कर सकते हो। तुम हो कौन और क्या बोले जा रही हो? मैं आज के इंडिया की एक एजुकेटेड लड़की हूँ। आई कांट बिलीव आज भी ऐसे लोग एग्जिस्ट करते और ऐसी हरकते करते। इस ग्रीड ने ना सबका दिमाग खराब कर दिया। और आपको पैसे ही चाहिए ना, रुकिए। मॉम को बोल दूंगी आपको एक ब्लैंक चेक लिख के दे देगी, उससे तो आपकी सारी डिमांड्स पूरी हो जाएंगी ना। हाँ
ट्विंकल, क्या बोल रही है तू? सॉरी आंटी, आई एम रियली सॉरी. इतनी बदतमीज लड़की मैंने आज तक नहीं देखी. कोई गल नहीं, कोई बात नहीं, हाथों में पैसे पकड़ाकर ना जाने क्या क्या बोलकर चली गई. पता नहीं कैसे खानदान से होगी ये लड़की, पागल बदतमीज कहेगी. क्या हुआ, तू ये सैड फेस लेकर क्यों खड़ी है? मेरी एंगेजमेंट की खुशी नहीं है क्या तुझे? नहीं यार, तेरे लिए तो मैं बहुत खुश हूँ. गुस्सा तो अपने ऊपर आ रहा है, गिल्टी सी फीलिंग आ रही है यार सिंह की. मैंने पता नहीं आंटी को क्या क्या बोल दिया. मैंने सॉरी बोलना चाहती हूँ, लेकिन अब यहाँ कैसे बोलूँ, इतने सारे लोग हैं. अरे यार इतनी टेंशन मत ले, दिल से सॉरी बोलेगी ना. पॉलिटिकल अंडरस्टैंड, ये सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी. और ये सब ना यूवी की वजह से हो रहा है. ना तो मेरे कॉल का आंसर कर रहा है, ना ही मेरे मैसेजेस को रिप्लाई कर रहा है. हाँ ये सही है, अपना बिल उस पे पा. वेरी गुड. हाँ और नहीं तो क्या, इसीलिए फोन नहीं उठा रहा होगा शायद. यही बात होगी. बंद करो अपना रंगीन कार्यक्रम, ना कोई सगाई वगाई नहीं हो सकती. अरे इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ क्या कोई प्रॉब्लम है? बता भाई, आंटी जी को प्रॉब्लम क्या हो गई? हमारे बड़े साहब को कंप्लेन आई है मैडम जी, कि आप लोग अपने लाउड स्पीकर पे बहुत लाउड म्यूजिक बजा रहे हो. अभी क्या अभी तामझाम बंद करने का आदेश हमें. व्हाट नॉनसेंस, ऐसे कैसे तुम्हारे साहब हमारा फंक्शन बंद करा सकते हैं? ये जो लाउड स्पीकर वाला रूल है ना, ये 10:30 के बाद लगता है. एंड वैसे भी आज हमने ना लेट नाइट तक लाउड स्पीकर की परमिशन ले रखी है, जाके कह दो अपने साथ से. अरे परमिशन ली है आपकी? अब तुम्हारे साहब को बुलाना पड़ेगा, वही आएंगे बंद कराएंगे आपका तामझाम. बेटा ये मिस्टर और मिसेस सरना है. हेलो टंकी बेटा. और वेलकम करो इनकी. मैं इनका वेलकम नहीं करूंगी. अंकल आंटी का ग्रैंड वेलकम करूंगी. इस ग्रीन ने ना सबका दिमाग खराब कर दिया, और आपको पैसे ही चाहिए ना. अगर इससे भी आपका पेट ना भरे ना, तो मुझे बोल देना, मैं अपनी मॉम को बोल दूंगी, आपको एक ब्लैंक चेक लिख के दे दूंगी. आई एम सो सॉरी आंटी, एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से मैंने आपको इतना उल्टा सीधा बोल दिया. प्लीज इस माला के साथ मेरी सॉरी एक्सेप्ट कर लो. हेलो, कांग्रेचुलेशन सर. कांग्रेचुलेशन सर, आपकी डील पक्की हो गई है. थैंक यू सो मच. हो सकता है आज लक्ष्मी तुम्हारे सामने साक्षात प्रकट हो जाए, और वो किस रूप में आएंगी वो तो वो ही जाने. ओ जी मेरी ट्विंकल मेरा गुरूर है. आज तक मैंने जो भी कमाया ना वो ट्विंकल ही है. मेरी आंखों का तारा, मेरी प्रिंसेस, मेरी शान है ट्विंकल. और सिर्फ मेरी नहीं, पूरे अमृतसर की शान है वो. आज तक उसने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे कोई भी मेरे परिवार के खिलाफ उंगली उठा सके. हेलो हेलो हेलो, अटेंशन अटेंशन एवरीवन, मेरा नाम ट्विंकल तनेजा है. ट्विंकल ट्विंकल बिग स्टार. और आज मैं एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करने वाली हूँ, जो कि मैं नहीं कर पाती अगर ये मुझे मुझे वो दाड़ू वाले गोलगप्पे नहीं खिलाते. ये दाड़ू भी जिसे कमाल की चीज है ना, पीते हिम्मत आ जाती है. और
उसी हिम्मत से मैं आज अपनी मम्मी को मिली। मम्मी मम्मी Love you and you won't believe. जो आप चाहती हो ना मैं भी वही चाहती हूँ। जितनी जल्दी आपको है ना मेरी शादी कराने की उतनी जल्दी मुझे भी है। और पता है मैंने डिसाइड भी कर लिया कि मैं किससे शादी करूंगी। वो लड़का ना लाखों एक करोड़ों में एक है। इसका नाम है से चोट ना बुलवाए। लेकिन सच बात तो ये है भी नहीं सोचा था ऐसा दिन आएगा कि अपनी ट्विंकल ऐसी हालत में होगी। इतनी ड्रंक को ये हो सकता है भला? और सच बात तो ये है ये इसलिए हुआ है क्योंकि इसको हमने इतनी फ्रीडम दे रखी है जी। हैं आज तो हमारी बैड ही रेपुटेशन हो गई। इतने सारे लोग थे इतनी बड़ी सोशल गैदरिंग में हम सबके तो नोज ही कट हो गए जी। मैं कुछ बोलती हूँ तो आप सब एंग्री हो जाते हो लेकिन सच बात तो ये है कि हमने इस लड़की को बहुत फ्रीडम दे दी है। मैं कहती हूँ कल को कोई अप डाउन सिचुएशन हो जाए कोई ऊंच नहीं तो फर्स्ट उंगली तो अपनी लड़की पे आएगी कि नहीं? चुप करेगी तू भी नहीं? अरे इसमें तो उस अनीता के बेटे की साजिश है। ओ आप सब ना हमेशा अपनी ट्विंकल को ही सेव करते रहो बाकी सब पे ब्लेम डाल डाल के। सच बात तो ये है साजिश हो या ना हो अपनी लड़की तो ऐसी ड्रंक हालत में है कि नहीं? ये तो की बार बार मेरी ट्विंकल पर उंगली उठाती रहती है। और किसी की दुश्मन भी तो अनीता लूथरा जैसी शातिर औरत नहीं होती है ना। और जितनी भी छूट मैंने अपनी बेटी को दी है ना आज तक इसने अपनी लिमिट क्रॉस नहीं की है। हमेशा अपने हद में रही है ये। माना कि ये शरारती है अपनी मनमानियां करती रहती है। हाँ ये ड्रामेबाज भी है लेकिन ये ना समझ नहीं है मेरी बेटी मेरा गुरूर है। ये ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे मेरा सर शर्म से झुक जाए। मैं अपनी बेटी को जानती हूँ। आप नहीं बोल रहे हो आपके अंदर का जो मॉम ब्लाइंड लव है ना वो बोल रहे हो। मेरी तो रब जी से सच्ची वाली अरदास है कि आपको ना ये इतना जो ब्लाइंड ट्रस्ट है अपनी बेटी पे वो हम सब पे कभी ना हेवी पड़ जाए। अपनी बकवास बंद करेंगी तू? जब देखो बक 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 करती है। आप ही मेरे पीछे ही पड़ गए हो। सब तलवार लेके मेरे पीछे आ जाओ मेरे को किल नहीं कर दो। इसलिए तो आप सब जब बातें करते हो मैं तो शटा भी हो जाती हूँ। ठंड रख जाओ। उफ़िश कल रात की पार्टी की पानी पूरी ने तो मेरी घंटी बजा दी। ओ शिट मैंने क्या क्या किया होगा नशे में। उफ़िश मैं तो गिरी गई थी सबके सामने। ओ शिट मामा मामी डैडी मॉम ओ गॉड मॉम को तो कितना बड़ा धक्का लगा होगा यूवी को वहां देख के। शिट यूवी भी तो था मेरे साथ और वो भी गिर गया। ओ गॉड फिर सबको पता तो नहीं चल गया हमारे अफेयर के बारे में। शिट
मिमी तुझे होश आ गया? हाँ यार, थैंक गॉड। मैं तेरे कॉल की वेट कर रही थी, जानती थी कि तुझे जैसे ही होश आएगा तो सबसे पहले मुझे ही कॉल करेगी। चल अब सांस ले ले, स्ट्रेस ना ले, किसी को कुछ पता नहीं चला तेरे और यूबी के बारे में। लेकिन हाँ, आंटी को इस बीच पे बहुत कुछ सुनना पड़ा, बहुत सारी उंगलियां उठाई गई उनके ऊपर, उनके लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा। मॉम, मैं जब भी आपसे झूठ बोलती हूँ मेरे अंदर कुछ मर जाता है। बस एक बार दोनों परिवारों के बीच सब ठीक हो जाएगा ना, तो मैं खुद आपको सब कुछ बता दूंगी। आप दुनिया की बेस्ट मॉम हो, एंड आई प्रॉमिस अब ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी और मैं आपको दुनिया की बेस्ट बेटी बन के दिखाऊंगी। आई लव यू मॉम। ट्विंकल पुत्र, क्यों भैया, सब ठीक है ना? सब कुछ ठीक है, बस अभी नींद खुली तो रियलाइज हुआ मेरी वजह से आपको कितना कुछ सुनना पड़ा ना मॉम। आई एम सॉरी। ना पुत्र ना, तेरी वजह से कुछ नहीं हुआ है, ये सब उस युवी का किया धरा है। मैंनू पता है कि युवी ने धोखे से तेनू शराब पिलाई है, उसे तो मैं देख लूंगी। और दुनिया चाहे कुछ भी कहे तेरे बारे में, ये उनकी प्रॉब्लम है। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ मेरी बेटी ऐसा कुछ नहीं करेगी जिससे मेरा सर नीचा हो। मैंनू तुझ पर पूरा भरोसा है ट्विंकल, सच। अब छड़ी सारी बातें, रात गई बात गई, इस टॉपिक पर सोचना ही बंद कर। कल एक नया दिन है और मैं चाहती हूँ मैंनू मेरी बेटी मुस्कुराते हुए मिले। चल जाकर सोच। आपके पास हो जाऊं ले, ये भी कोई पूछने वाली बात है? कुछ साल पहले तक तो तू यहीं सोती थी। चला जा, सो जा आराम से। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर।